मध्य प्रदेश कांग्रेस 2023 की तैयारियों में जुट गई है। बता दें कि वहीं कांग्रेस अब जनता के बीच जाकर अपना वचन पत्र तैयार करेगी। प्रदेश में दोनों बड़ी पार्टी कांग्रेस हो या बीजेपी में बैठकों का दौर जारी हो गया। सामाजिक संगठनों से विचार मंथन के लिए वचन पत्र सलाहकार समिति का गठन किया गया है। सामाजिक संगठनों, अलग अलग वर्गों, सिविल सोसाइटी से समिति मंथन करेगी। कांग्रेस जनता से चर्चा कर तैयार वचन पत्र तैयार करेगी। सामाजिक संगठनों से विचार मंथन के लिए वचन पत्र सलाहकार समिति का गठन भी कर दिया गया है। वचन पत्र सलाहकार समिति में राजेंद्र कुमार को अध्यक्ष बनाया गया है। बाला बच्चन उपाध्यक्ष और संयोजक बनाए गए हैं। इसके अलावा कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, कांतिलाल बोरिया, विवेक तनका, अजय सिंह, अरुण यादव, मीनाक्षी नटराजन को बनाया गया है। बता दें कि इससे पहले भी पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राजनीतिक समस्या के लिए लिस्ट जारी की थी। देखा जाए तो कांग्रेस के दिग्गज नेता अपनी ही पार्टी के अंदर अब एक्टिव नजर आ रहे हैं, जिसमें अब नारे नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस में समन्वय के लिए 20 अप्रैल को डिनर रखा है। वहीं कमलनाथ ने कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी, विवेक तनका को बुलाया है। माना जा रहा है कि कमलनाथ इस बैठक में 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर चिंतन मंथन करेंगे।